Subscribe under 24/7 and press the bell icon. एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पे और अड्डा 24/7 पे भी दोस्तों। तो भैया एसएससी अड्डा के जितने व्यूअर्स इस समय देख रहे हो, झट झट तैयार हो जाओ क्योंकि ये हफ्ता हम लोग पूरा जियोग्राफी के लिए डेडिकेट किए हुए हैं। कल यानी सोमवार को जो हम लोगों ने लेक्चर लिया था उसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, पासेस के बारे में, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो भैया आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग भारत के जो प्रमुख द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखो राज्य तो आपके 29 हैं लेकिन ये जो आपके द्वीप समूह हैं ऐसे फेमस वाले दो ही हैं, एक लक्षद्वीप एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन दोनों से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एक क्वेश्चन कन्फर्म रहता है। तो दोस्तों तो भैया आज आपको त्योहारों की पहले पहले बधाई दे दी जाए और सेशन शुरू किया जाए। सेशन शुरू करने से पहले एक बात मैं जो आपसे, आंसर और क्वेश्चन तेजी से होंगे ताकि आपको यदि तैयार है तो तुरंत आंसर करें, नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। और अगली बात माय डियर फ्रेंड्स वो ये रही कि भैया ईमानदारी से आंसर करना, ना आए तो स्किप लिख देना, लेकिन आता है तो ए बी सी डी। तो जल्दी जल्दी शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आपके दोस्त भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें और आपके साथ ही अपने करियर को आसमान पे पहुंचा सकें। तो चलिए सर शुरू करते हैं। कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन आप दे दीजिए बस। बिल्कुल सर, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे बिल्कुल आ चुका है भैया, पहला क्वेश्चन। तो सैडल पीक द हाइएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन। भैया जो अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है किस स्थान पे स्थित है पूछ रहा है, आपके ग्रेट निकोबार में या मिडिल निकोबार में या लिटिल अंडमान में या नॉर्थ अंडमान में। एक्चुअली जो अंडमान निकोबार है भाई वो कई भागों में विभक्त है, कई भागों में बटा हुआ है। तो आपको आंसर करना है दोस्तों कि जो सैडल पीक है, अंडमान निकोबार की हाइएस्ट पीक है ये बात याद रखना, किस स्थान पर है, आपके महान अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान या फिर उत्तर अंडमान, नॉर्थ अंडमान में। आंसर करिएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल जुड़ जाइएगा, सभी लोग आंसर करिएगा, आंसर करना आपको बहुत जरूरी है, चेक करते रहिए अपने को रेगुलर बेसिस पे। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान में कौन सा स्थित है आपका, सैडल पीक स्थित है दोस्तों। सैडल पीक कहाँ स्थित है, तो नॉर्थ अंडमान में स्थित है, याद रहेगा। और सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, हाईएस्ट पीक है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है, 732 मीटर। 732 मीटर इसकी हाईएस्ट ऊंचाई है, क्लियर है दोस्तों, 732 मीटर सैडल पीक की, जो अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है और स्थित कहाँ है, नॉर्दर्न अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, अंडमान एंड निकोबार आर, अंडमान और निकोबार है दोस्तों आपको बताना है, बंगाल की खाड़ी में दो द्वीप हैं या बंगाल की खाड़ी में दो द्वीप समूह हैं या अरब सागर में द्वीप समूह ये पड़ते हैं या फिर हिंद महासागर में ये दो द्वीप समूह हैं, कहां स्थित है अंडमान निकोबार दोस्तों आपको ये बताना है, आपको बताना है दोस्तों कहां ये स्थित है, जरा बताना। बिल्कुल सही आपने बोला है, अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित दो द्वीप समूह है, इसका जो दोस्तों बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। वैसे भी आप भारत का मैप जब देखते हैं तो एक साइड आपको लक्षद्वीप दिखता है और एक साइड आपको क्या दिखता है, अंडमान और निकोबार। जिधर लक्षद्वीप दिखता है उधर अरेबियन सी आपको दिखता है और जिधर आपका अंडमान और निकोबार दिखता है उधर आपको क्या दिखता है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। बहुत अच्छा दोस्तों, सेशन से जुड़े रहो, सेशन को शेयर भी करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ, एक बात याद रखना, आज अंडमान निकोबार आखिरी तक पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भैया। तो नंबर ऑफ आइसलैंड इन अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार का में कितने आइसलैंड हैं आपको यह बताना है, 200, 240, 220 या फिर 250, आंसर करना मेरे दोस्तों। बिल्कुल आपको बताना है कितने हैं दोस्तों, कितने हैं अंडमान निकोबार में आपके जो द्वीप समूह है, द टोटल नंबर ऑफ आइसलैंड। मैं आपके कमेंट बॉक्स से जुड़ा हुआ हूं, कुछ लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं तो कुछ लोग बी और कुछ लोग डी भी देने से नहीं चूक रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन दोस्तों, शेयर करिए इसको, झट झट शेयर करिए। और जो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो कितना है, इसका सी ऑप्शन,
220। लेकिन एक्चुअली ये कितने हैं? तो दोस्तों 222 हैं। अब बात यह है दोस्तों कि 220 के सबसे नजदीक है 222, इसलिए मुझे ये आंसर करना पड़ा। वास्तव में 222 है, लेकिन यहां पे 220 उसका सबसे नजदीकी ऑप्शन है, तो मैंने किस पे टिक किया? 220 पे टिक किया हुआ है। तो बहुत बढ़िया। अगर एक चीज होता है दोस्तों आइसलैंड, एक होता है आइसलैंड, आइसलैंड प्लस आइसलेट्स, आइसलेट्स की बात कर दे, आइसलेट्स, ठीक है, ये दोनों मिलाकर के कितने हैं अंडमान निकोबार में? अगर कभी क्वेश्चन में पूछ दे तो याद रखिएगा कितने हैं दोस्तों, 572। आइसलैंड प्लस आइसलेट्स अगर जोड़ दिए जाए अंडमान निकोबार के, सॉरी यहां पे आपको शायद दिख ना रहा हो तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 572। कितने हैं? 572 है दोस्तों। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला। अच्छा, कोई दोस्त कमेंट बॉक्स में जाकर के क्या ये बता पाएगा अंडमान और निकोबार का पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ओल्ड नेम ऑफ अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, बताइएगा। अंडमान और निकोबार का दोस्तों जो प्राचीन नाम था वो था मरकत द्वीप। कौन सा द्वीप? मरकत द्वीप। आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो, या फिर इसे एमराल्ड द्वीप भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एमराल्ड द्वीप। इसे और किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? एमराल्ड द्वीप के भी नाम से जाना जाता था, मरकत द्वीप या फिर एमराल्ड द्वीप। अब क्लियर रहेगा ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये रेलवे के पेपर में, एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओल्ड, और इवन दो एसएससी में कि अंडमान निकोबार का प्राचीन नाम क्या था, तो ओल्ड नेम ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज द व्हाट? मरकत द्वीप या फिर एमराल्ड द्वीप। क्लियर रहेगा मेरे दोस्तों। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 10 डिग्री चैनल सेपरेट। एक्चुअली ये जो डिग्री चैनल है ये इमेजिनरी लाइंस है, ताकि ये सही से ज्योग्राफिकल सिचुएशन को किसी भी एरिया के सही से लोकेट कर सकें। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, या म्यांमार से अंडमान को, या श्रीलंका से भारत को, या मालदीव से लक्षद्वीप को? आंसर करिएगा दोस्तों 10 डिग्री चैनल। मैं एकदम जुड़ा हुआ हूं, बताइएगा जरा किसको अलग करता है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। और मैं आपको बताता हूं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला कौन है दोस्तों? अंडमान फ्रॉम निकोबार, अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों वो किसको किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार पे, चूंकि ये 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे स्थित है। कितने पे स्थित है? 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल कहते हैं, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल का जो एक्सपेंशन है, जो ये 10 डिग्री चैनल है, इसका जो एक्सपेंशन है दोस्तों, फैलाव है, वो 150 किलोमीटर के आसपास है। जो इसका एक्सपेंशन ऑफ 10 डिग्री चैनल है, जो कि 10 डिग्री लेटीट्यूड पे स्थित है, वो क्या है? 150 किलोमीटर। याद रखना दोस्तों, अक्सर पूछता है 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, और मैं आपको दो होमवर्क देता हूं, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, ये आपके होमवर्क है दोस्तों। और अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में जुड़ के बताइएगा 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है और 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। बिल्कुल दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जुड़िए और इसका आंसर करिए। तो भैया 10 डिग्री चैनल किसे अलग अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। बहुत बढ़िया, आपके भी आंसर्स मिल रहे हैं और ये बहुत शानदार है दोस्तों। मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं आप भी अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर रहे हैं, इट इज वेरी गुड, क्योंकि यार जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द निकोबार, इनमें से कौन सा जगह? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, निकोबार ग्रेट निकोबार से बहुत नजदीक है, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या फिर श्रीलंका, बताइएगा दोस्तों कौन सा दोस्तों ग्रेट निकोबार से बहुत करीब है। आपको आंसर करना है दोस्तों, बताना है ग्रेट निकोबार से कौन सा बहुत करीब है। पांचवा क्वेश्चन, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या फिर श्रीलंका, जिसका पुराना नाम सिलोन हुआ करता था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या हुआ करता था दोस्तों? पुराना नाम यहां पे लिख देना चाहूंगा, ताकि आप ये भी एक याद रखें, पुराना नाम किसका? श्रीलंका का, सिलोन हुआ करता था दोस्तों, सिलोन। क्लियर है? और जब अशोक राजा हुआ करता था, अशोक क्या था?
भारत का राजा था, तो उस समय श्रीलंका का राजा कौन हुआ करता था? तिश। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखना। कभी कभी पूछ देता है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। और जब अशोक भारत में राजा था तो श्रीलंका का समकालीन राजा कौन था? तिश था। हालांकि ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, आपको बताना है ग्रेट निकोबार इनमें सबसे नजदीक किसके है, और इसका जो आंसर है दोस्तों दैट इज सुमात्रा। सुमात्रा इज द करेक्ट आंसर। सुमात्रा ग्रेट निकोबार से सबसे नजदीक है। क्लियर रहेगा, ध्यान रहेगा। बोर्नियो, जावा, श्रीलंका, ये सब जो दोस्त हैं ग्रेट निकोबार एज कंपेयर टू बोर्नियो, जावा, श्रीलंका से थोड़े दूर हैं, सुमात्रा थोड़ा नजदीक पड़ेगा। और हाँ, श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन, श्रीलंका का जो अशोक के समय का समकालीन राजा तिश। अगला क्वेश्चन, बारेन आइसलैंड इज लोकेटेड इन, आपको बताना है बारेन यहां होगा दोस्तों, बंजर यहां गलत लिखा हुआ है, यहां पे मैं कर देता हूं बारेन। कौन सा? बारेन। बारेन द्वीप में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में या फिर चीन सागर में। ठीक है, आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है बारेन द्वीप कहां स्थित है। आपको बता दूं कि ये साउथ एशिया का दोस्तों एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। ये जो बारेन है ना दोस्तों, ये क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये जो आपका एक्टिव वॉल्केनो है आपका कौन सा दोस्तों? बारेन। इसके बारे में आपको बताना है कि भैया ये क्या है, और आपके बताने, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पहली बार इरिप्टेड कब हुआ था, पहली बार इसमें विस्फोट कब हुआ था, तो 1787 एडी में इसमें पहली बार विस्फोट हुआ था बारेन द्वीप में। और ये एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया है, एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया है, या साउथ एशिया भी कह सकते हैं, एक्टिव वॉल्केनो ऑफ साउथ एशिया, एक्टिव वॉल्केनो ऑफ साउथ एशिया है। और ये कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी। और भैया क्लियर है कि जब बारेन है, अंडमान निकोबार की बात चल रही है, तो कहाँ पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बारेन आइसलैंड इज द एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट ऑफकोर्स अबाउट साउथ एशिया इज ऑल्सो करेक्ट। एंड फर्स्ट टाइम इरप्शन, इसमें पहली बार विस्फोट कब हुआ था? तो 1787 ईस्वी में। क्लियर रहेगा दोस्तों, याद रहेगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक ज्वालामुखी द्वीप है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने आपको पिछला क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया था उसमें इसके बारे में जिक्र किया था कि भैया 1787 ईस्वी में एकमात्र बार विस्फोट करने वाला कौन सा है? बारेन द्वीप। तो भैया इसका आंसर तो ईजी है, इसलिए आप बहुत जल्दी जल्दी इसका आंसर कर लेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉल्केनिक आइसलैंड ऑफ इंडिया? भैया बारेन इज द वॉल्केनिक आइसलैंड ऑफ इंडिया। क्लियर रहेगा, जो कहां पड़ता है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग और किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक तट, मालबार तट, कोंकण तट या फिर कोरमंडल तट? बताइएगा दोस्तों, जुड़ करके जरा आंसर करिएगा, किस नाम से ये जाना जाता है आपका, कौन सा उत्तरी तटीय भाग का ये जो आपका तट है वो आपको बताना है दोस्तों। जरा जुड़िएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज? मैं क्वेश्चन को आपके लिए पढ़ दिया हूं, बताइएगा, कर्नाटक तट, मालबार तट। जुड़ो दोस्तों, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ये मेहनत आपके लिए हो रही है, तो भैया थोड़ा तो आपको साथ देना ही पड़ेगा ताकि आप दें जोश आए और पढ़ा जाए। और ये पूरा वीक हम लोग जियोग्राफी को डेडिकेटेड करने वाले हैं, कल पासेस के ऊपर, आज द्वीप के ऊपर, अगले दिन का लेक्चर कुछ और होगा दोस्तों, बस जुड़े रहना है आपको सेशन में। सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार जीएस संग्राम, अब इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा दोपहर 1 से 2 में। क्लियर है दोस्तों? तो भैया जरा इसका आंसर करो, आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, कोंकण। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज कोंकण पास। मालबार, कोंकण, नैरोवर कोस्ट और नॉर्दर्न सिसार, ये सारे भारत के कोंकण प्लेन के नाम है। इनका कभी कभी क्वेश्चन में ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट इनको मैनेज करने के लिए आ जाता है, तो यहां आपको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है कहाँ? चिल्का लेक के पास, महानदी के मुहाने के पास, पुलिकट झील के पास या गोदावरी नदी के मुहाने के पास? आंसर करिएगा। श्रीहरिकोटा के बारे में पूछ रहा है भैया, आपको बताना है इसका जो सही आंसर। अगर आप दे पा रहे तो वेरी गुड, नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं दोस्त, आंसर मैं करूंगा। इसका पुलिकट झील के पास, ये कहां है पुलिकट झील? आंध्र प्रदेश, आपके आंध्र प्रदेश में है ये दोस्तों, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपका क्या पड़ रहा है? पुलिकट झील, आंध्र
प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और आपको बता दें कि ये जो पुलिकेट लेक है, पुलिकेट लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है दोस्तों, सतीश धवन स्पेस सेंटर, क्लियर है, सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, इसी पुलिकेट लेक के पास स्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो इसी के पास स्थित है, और ये पुलिकेट झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, क्लियर है। तो श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकेट झील के पास आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी के लिए क्लियर हो गया होगा। सर अगला क्वेश्चन, द एडम्स ब्रिज बिगेंस फ्रॉम, एडम का पुल जिसे आप क्या कहते हो, राम सेतु ब्रिज भी कहते हो, इसको आप और किस नाम से जानते हो दोस्तों, राम सेतु ब्रिज के नाम से भी जानते हो एडम्स ब्रिज को। तो आपको बताना है कि ये जो राम सेतु ब्रिज है ये कहां से शुरू होता है, धनुषकोडी नामक जगह से, मंडपम नामक जगह से, पंबन नामक जगह से, या फिर रामेश्वरम नामक जगह से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, धार्मिक क्वेश्चन है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अब अपने अध्यात्म ज्ञान का प्रयोग करिए, अपने धार्मिक ज्ञान का प्रयोग करिए और इसका आंसर कर दीजिए। माय डियर दोस्तों जुड़े रहिएगा सभी लोग, बिल्कुल बहुत अच्छा सेशन चल रहा है दोस्तों। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। एडम का पुल किससे शुरू होता है, धनुषकोडी, मंडपम, पंबन या फिर रामेश्वरम, आंसर करें। और भाई देखो आंसर तो आ रहे बी सी, कोई ए कह रहा है, लेकिन जो दोस्तों इसका सही आंसर है वो क्या है, धनुषकोडी। धनुषकोडी से एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु ब्रिज कहां से शुरू होता है, धनुषकोडी से, और किसको कनेक्ट कर लेता है, रामेश्वरम और आपके होते हुए श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु और उधर श्रीलंका को क्या करता है, कनेक्ट, तमिलनाडु और श्रीलंका मतलब भारत और श्रीलंका को राम सेतु ब्रिज क्या करता है, धनुषकोडी कनेक्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज द लक्षद्वीप लोकेटेड, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, हिंद महासागर साइड या अरेबियन सी साइड या बे ऑफ बंगाल साइड या फिर प्रशांत महासागर साइड, बताइएगा दोस्तों वेयर इज लक्षद्वीप सिचुएटेड, बताना है दोस्तों लक्षद्वीप कहां सिचुएटेड है, बताइए दोस्तों लक्षद्वीप। दीज आइसलैंड्स आर लॉन्ग एट डिस्टेंस 280 किलोमीटर ऑफ केरला डिस्ट्रिक्ट, आपको बताना है केरला कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, लक्षद्वीप कहां स्थित, और इसका सही आंसर है दोस्तों कौन सा, 11वें का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका बी ऑप्शन, अरेबियन सी। भैया अंडमान निकोबार कहां है, तो अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल साइड, आप अच्छे से जानते हो। और ये वाला कहां स्थित है, तो ये किधर स्थित है दोस्तों, ये आपके लक्षद्वीप के जो है वो अरेबियन सी, अरब सागर की तरफ स्थित है। दो ही हैं भारत में, आप, मैं भी इतनी बार अपनी लाइफ में देखोगे कि भैया यहां कोई कंफ्यूजन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्लियर है मेरे दोस्तों। अरेबियन सी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है आपका दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे जुड़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोरल आइसलैंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल भत्ती द्वीप है। भैया प्रवाल से बना हुआ सबसे बड़ा तो ऑस्ट्रेलिया है, जिसे गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है, ठीक है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। प्रवाल द्वीप कौन सा है, नयामूर द्वीप, कार निकोबार, अंडमान या फिर लक्षद्वीप, जो कोरल रीफ से बना हुआ है प्रवाल द्वीप है जो भारत का, विश्व में तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा फेमस है जिसे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं, लेकिन भारत में कौन सा है, बताना है दोस्तों, बताइए दोस्तों, जरा जुड़िएगा, आंसर करिएगा, आंसर करने से ही मजा आएगा यार, जरा जुड़े रहो, बताओ तो सही क्या इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है दोस्तों लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोरल आइसलैंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, याद रहेगा ना दोस्तों, भूलना नहीं है, सेशन में जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों। चलिए भैया बहुत सारे दोस्त इसका सही आंसर दे रहे हैं, और आज तो त्योहार है यार, तो थोड़े कम लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग बढ़ जाएंगे जब बुधवार से हम आप एक साथ होंगे, त्योहारों को मनाने के बाद नई एनर्जी के साथ साथ होंगे तो जुड़ जाएंगे। चलिए 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लक्षद्वीप आइसलैंड इज सिचुएटेड, लक्षद्वीप स्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम बंगाल के पास, ऑप्शन है आपके, आंसर करिएगा, आंसर करिएगा दोस्तों। 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है, और भैया इसका जो सही आंसर है वो क्या है 13वें का, ए ऑप्शन, इन साउथ वेस्ट इंडिया, दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। भैया आप लोग रीजनिंग में एक सब्जेक्ट पढ़ते हो वो डायरेक्शन वाले, अब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन से यदि आप मैप में चले जाओ तो आप देखोगे कि साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में कौन पड़ता है आपका, लक्षद्वीप समूह पड़ता है जो कोरल रीफ से बना हुआ है, बिल्कुल लक्षद्वीप वहीं पड़ता है दोस्तों। तो सर अगला क्वेश्चन ला दिया जाए और देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है,
आइसलैंड ग्रुप लक्षद्वीप इज द्वीप लक्ष द्वीप समूह लक्षद्वीप है किसका है, मतलब प्रवाल भित्तियों का संचय है, कलेक्शन है, एक्यूमुलेशन है, या ज्वालामुखी पदार्थों का एक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्केनो सब्सटेंस है, या फिर मृदा अवसादन है, सॉइल सेंडिमेंटेशन है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है, नन ऑफ द अबव मेंशन इज ट्रू। आपको बताना है दोस्तों द्वीप लक्ष समूह जो है वो कैसे बना हुआ है। भैया ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है और भारत में कोरल रीफ से बना हुआ कौन है, लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, प्रवाल भित्ति का संचय एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ, उसी से बना हुआ है लक्षद्वीप, याद रहेगा ना दोस्तों। देखो इतनी बार प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भूलोगे नहीं दोस्तों कि सेशन कैसा रहा और किस तरीके से आपने इसको तैयार किया। थोड़ी दिक्कत महसूस होती है जब आप पढ़ते हो ना, कोई चीज नहीं जानते हो ना, तो आपको थोड़ी दिक्कत महसूस, लेकिन जो लगा रहता है, जिसका धैर्य बना रहता है दोस्तों, वही एक दिन सफल होता है। और आज शाम में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज शाम हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना एक नया सेशन, क्लियर रहेगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला ये रहा, शाम 7 से 8 जुड़ना जरूर है दोस्तों। ये रहा 15वां क्वेश्चन, लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइसलैंड, लक्षद्वीप में कितने आइसलैंड हैं, 17, 27, 36 या फिर 47। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, 17, 27, 36 या फिर 47, आंसर करिएगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है दोस्तों, बताइएगा कितने हैं टोटल लक्षद्वीप में। आपके 15वें क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो क्या है, 15वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है 36। 36 है कुल लक्षद्वीप में, जबकि आपके अंडमान निकोबार में कितने थे, 222, ऑप्शन में मौजूद था 220, वो हम लोग याद रखेंगे, लेकिन टोटल है 222 और यहाँ पे कितने हैं 36। इसका मतलब है कि लक्षद्वीप इन कंपेरिजन टू अंडमान निकोबार छोटा है। अगला, which of the following is one of the remotest island from Indian coast? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तट से दूर के द्वीपों में से एक है, सबसे द्वीप है, दूर है, भटकल, अर्नाल, मिनिकॉय या फिर हेनरी, आंसर करिएगा दोस्तों 16वें क्वेश्चन का। भारतीय द्वीपों में सबसे द्वीप ऑप्शन के सबसे दूर का द्वीप कौन सा है भारत के कोस्टल से, तो दैट इज मिनिकॉय। मिनिकॉय सबसे दूर स्थित है, ये लक्षद्वीप समूह के पास है दोस्तों, और ये मिनिकॉय जो है मालदीव साइड पड़ जाता है, एकदम बॉर्डर पे पड़ जाता है भारत और आपके मालदीव के। तो मिनिकॉय भारत के कोस्टल प्लेन से सबसे दूर स्थित द्वीप है, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह का एक पार्ट है। उन 36 लक्षद्वीप में को टोटल 36 हैं, उन 36 में से एक कौन सा है, मिनिकॉय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या फिर सालसेट, बताना है दोस्तों, एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या फिर सालसेट। बहुत बढ़िया, कुछ दोस्त इसका आंसर बड़ा झटझट कर रहे हैं, तो कुछ लोग कर रहे हैं अरे सर बहुत तेज हो रहा है, तेज नहीं हो रहा है दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है, आप इसे तैयार करिएगा। तो बताइएगा कौन सा भारतीय द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या फिर सालसेट, आंसर करना दोस्तों, बताना है आपको 17वें क्वेश्चन का। तो इसका जो सही आंसर भैया सी, रामेश्वरम, सी जो रामेश्वरम भारतीय द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, यही तो एडम्स ब्रिज, राम सेतु सब याद करिए, तमिलनाडु और श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, राजा तिस जो अशोक का समकालीन कंटेम्प्री किंग हुआ करता था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय द्वीप पर बना एक बड़ा शहर है, अ लार्ज सिटी बिल्ट ऑन एन इंडियन आइसलैंड, भारतीय द्वीप पर बना एक बड़ा शहर इसमें से कौन सा है, पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या फिर मुंबई, सभी भारतीय द्वीप हैं लेकिन भारतीय द्वीप पे पूरा एक द्वीप पे ही है, बल्कि मैं बताऊं सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है, तो सालसेट द्वीप पर बना एक बड़ा शहर, यहां पे मैं लिख सकता हूं सालसेट द्वीप, तो आपको बताइए कौन सा है, तो दोस्तों वो मुंबई है, मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, लार्ज सिटी बिल्ट ऑन इंडियन आइसलैंड इज मुंबई, मुंबई सालसेट द्वीप के ऊपर बसा हुआ है दोस्तों, ध्यान रहेगा ना। आप वैसे भी मुंबई जाएं तो बहुत सारे समुद्रों से घिर जाएंगे, बिल्कुल दोस्तों मुंबई के जो सी बीच हैं वो बड़े आकर्षक हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। ये रहा 19वां क्वेश्चन, कोरी क्रीक इज लाइस इन, कोरी क्रीक में है कहां, कोरी क्रीक कहां स्थित है, कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, कच्छ का छोटा रण या कच्छ का रण। अब आपको एक बात बतानी है, ये क्वेश्चन संभवतः बहुत कम लोग सुने होंगे आप दोस्तों में से, शायद बहुत सारे लोग सुने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कोरी क्रीक कहाँ स्थित है, कोरी क्रीक लाइज इन बे, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत, लिटिल रन ऑफ कच्छ या रन ऑफ कच्छ, आंसर करिएगा, बहुत जरूरी है दोस्तों, आंसर करिए, जुड़े रहिए सेशन से, बताइएगा कोरी क्रीक इज लाइज इन, आंसर करना है दोस्तों, कहाँ स्थित है कोरी क्रीक में, कोरी क्रीक कहाँ स्थित है, और आपके जो 19वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रण, इसका जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है,
बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो अब आपको ध्यान रहेगा ना इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन कोरी क्रीक, डी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जुड़ करके जरा आंसर करना और बताना। ये रहा अगला क्वेश्चन, सर क्रीक विवाद निम्नलिखित में से किस दो देशों के बीच है? रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बताइएगा। सर क्रीक विवाद दो देशों के बीच है, भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत, या भारत बांग्लादेश, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ये आपको आंसर करना है, बताइएगा दोस्तों। क्लियर है, बताइएगा सर क्रीक विवाद किन दो देशों, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही आंसर देना शुरू किया है और बिल्कुल दोस्तों मैं आपसे सहमत हूं, जिन लोगों ने भी इसका आंसर क्या किया है, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो सर क्रीक विवाद है वो चल रहा है, भारत पाकिस्तान ऑप्शन ए दोस्तों, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। सर क्रीक डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो सर क्रीक विवाद है वो भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, पाकिस्तान कहता है भैया ये हमारा है, भारत कहता है नहीं हमारा है, और पाकिस्तान की तो आदत है वो हमेशा भारत से उलझने में ही अपनी महानता समझता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन रहा सर क्रीक विवाद, सर क्रीक विवाद किससे संबंधित है, भारत और पाकिस्तान से संबंधित है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन जो रहे और उसमें जो 20वां क्वेश्चन है डिस्प्यूट से रिलेटेड है भारत और पाकिस्तान के, तो इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं और इसके बाद हम लोग अपने कल दोपहर 1 से 2 जियोग्राफी के नए सेशन में जुड़ेंगे। और हाँ, त्योहारों का मौसम है, जानता हूँ भीड़ कम है, लेकिन आपको लाइक व्यूज और सब्सक्राइब बढ़ाते रहना है दोस्तों। और चूंकि त्योहार था तो मैंने भी आज आपका कम ही समय लिया, आई थिंक 25 मिनट में मैंने आपको सारे के सारे आइसलैंड के क्वेश्चन करवाए हैं। और आज शाम को 7 से 8 हम लोग और छोटे सेशन में मिलेंगे हिस्ट्री के, जिसमें हम लोग रेलवे के प्रमुख ऑटोबायोग्राफीज, जो रेलवे के एग्जाम में प्रमुख ऑटोबायोग्राफीज पूछे हैं उनके ऊपर सेशन लेके आए हूं दोस्तों। वो मात्र 15 से 17 होंगे आज शाम का 7 से 8 का लेक्चर, लेकिन जबरदस्त सेशन होगा, रटने वाला सेशन होगा, स्टैटिक जीके वाला सेशन होगा और एक नंबर देने वाला सेशन होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।